20 दिसंबर 1946, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर टू की दहशत से बाहर निकलने में जुटी हुई थी, तभी यूनाइटेड किंगडम के अखबारों में एक बहुत ही अजीब खबर प्रिंट हुई। बीबीसी बास टीवी हिप्नोसिस, इट्स टू रियल, यानी कि बीबीसी ने टीवी के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठे इंसानों को सक्सेसफुली हिप्नोटाइज किया और इस प्रोसेस को बैन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, टेलीविजन के माध्यम से इंसानों को हिप्नोटाइज, एक ऐसी खबर जिसने आज तक भी सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी को शॉक में डाल रखा है कि आखिर ये संभव भी कैसे हुआ, और अगर ये सच है तो ये बात आज तक आपसे कैसे छुपी हुई रही है। पीटर कैसन नाम के हिप्नोटिस ने टेलीविजन पर अपना शो किया। 12 बीबीसी के वॉलंटियर्स जो ये शो टीवी पर देख रहे थे, उसमें से सबसे पहले एक बीबीसी वॉलंटियर जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी नजरें रखे हुए था, अचानक पीटर कैसन के एक क्लिक पर टीवी देखते देखते वो इंसान डीप स्लीप में चला गया। देखते ही देखते दूसरे इंसान ने उबासी ली और अचानक डीप स्लीप। इससे पहले कि कोई तीसरे वॉलंटियर के पास जाकर कुछ कहता, वो भी टीवी देखते देखते डीप स्लीप में चला गया। और ऐसे 12 में से 5 लोगों के साथ हुआ। और ये वो पल था जब बीबीसी एक्सट्रीमली शॉक की स्टेट में थी कि टेलीविजन के थ्रू इंसानों को घंटों घंटों के लिए स्लीप स्टेट में पहुंचाया जा सकता है। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद पूरे यूके में हड़कंप मच गया और बीबीसी ने डिसाइड किया कि टेलीविजन हिप्नोसिस को बैन कर दिया जाए। द ल्यूस्टन डेली सन नाम के न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई, बीबीसी फाइंड्स हिप्नोसिस बाय टीवी वर्क्स। और आप ये पढ़िए कि बीबीसी के ऑफिशियल ने, जिन्होंने अपना नाम एनोनिमस रखा, उन्होंने इस हिस्टोरिक टीवी हिप्नोसिस के एक्सपेरिमेंट पर क्या कहा। माई गुडनेस, इफ यू कैन हिप्नोटाइज पीपल बाय टेलीविजन, थिंक वॉट वुड हैपन इफ एवरीबडी हैड अ टीवी सेट, एज एवरीबडी विल शॉर्टली and Hitler sort of fellow started working on them all. मतलब अगर टेलीविजन से इंसानों को सम्मोहन में डाला जा सकता है और हर इंसान के घर में टेलीविजन सेट आ जाए, जो कि भविष्य में आना ही है, तो हिटलर जैसा इंसान इसका किस स्तर तक मिसयूज कर सकता है। बस हिटलर जैसे टॉप पोजीशन इंसान को नेशन के टीवी ट्रांसमीटर का कंट्रोल लेना है और पूरी जनता को एक डीप स्लीप की स्टेट में ले जाया जा सकता है और फिर जो स्टेटमेंट चाहे वो पूरी पब्लिक के माइंड में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और दोस्तों, ये भी कहा गया था कि एटम बॉम्ब अब पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माइंड कंट्रोल ही है। दरअसल इतिहास की किताबों में दर्ज है कि हिटलर ने 60 लाख ज्यूज का होलोकॉस्ट किया और माइंड को इन्फ्लुएंस करने की टेक्निक्स उसने इस्तेमाल करी, जिस कारण अधिकतर जर्मनी के लोगों ने उस समय पर कोई आवाज नहीं उठाई थी। बीबीसी इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत भय में आ गया कि अगर टेलीविजन पर ऐसा शो अलाउ कर दिया गया और व्यूअर्स जो डीप स्लीप में चले गए और उनका टेलीविजन सेट ऑफ हो गया और उनके आसपास कोई है भी नहीं उन्हें स्लीप से उठाने के लिए, तो क्या होगा। सुनने में ये कितना अजीब है, क्योंकि अधिकतर जनता नहीं जानती कि हिप्नोसिस कैसे काम करता है। इनफैक्ट ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें केवल पीटर कैसन ही सब्जेक्ट्स को वापस स्लीप से उठा सकते थे, बाकी लोगों के उठाने पर सब्जेक्ट्स कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। मॉन्टेगमेरी प्रेस, असल में उस समय पर बहुत ही कम लोगों के पास टेलीविजन सेट उपलब्ध होता था। यहाँ पर न्यूज आई कि सेवरल वॉचिंग टीवी मेड हिप्नोसिस विक्टिम्स, कुछ लोग जो डार्क रूम में बैठकर उस समय टीवी देख रहे थे वो भी डीप स्लीप में चले गए, वो भी तब जब मिस्टर कैसन उन व्यूअर्स को एड्रेस कर भी नहीं रहे थे, तब भी। द गार्जियन की हेडिंग देखिए, नो टू टेली हिप्नोसिस। तो जिस समय हार्डली किसी इंसान के पास टेलीविजन हुआ करता था, उस समय पर ही ये टेस्ट सक्सेसफुली किए जा चुके थे। December 24, 1946, बर्मिंगम न्यूज, हिप्नोटिज्म बाय टीवी नाउ प्रूफ्ड फैक्ट। द एग्जामिनर, हिप्नोटिज्म बाय रेडियो, इसमें लिखा था कि रेडियो से भी एक्सपेरिमेंट्स पहले किए जा चुके हैं। अब आप हमारे साथ चलिए 29 साल और पहले चलिए। दोस्तों, ये कितनी मिस्टीरियस चीजें हैं और मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं हुई है। इससे भी बड़ा शॉकिंग और डेंजरस इवेंट अभी आप सुनने जा रहे हैं 1927 का, और उसके बाद आप अपनी अपनी कल्पना से बताना कि वो टेक्नोलॉजी आज 100 साल बाद किस लेवल पर पहुंच चुकी होगी। 18 जनवरी 1927, न्यूज़पेपर में छपा ये एड देखिए, डॉक्टर विष्णु का लाइव हिप्नोटिज्म शो बाय रेडियो। और अगले दिन 19 जनवरी 1927 को न्यूज़पेपर में ये खबर पब्लिश हुई, विष्णु इज सक्सेसफुल।
एक लेडी जिसे रेडियो के थ्रू हिप्नोटाइज किया गया और 24 घंटों तक वो स्लीप में थी। फिर 24 घंटों बाद उसे हिप्नोटिक स्टेट से बाहर लाया गया और वो भी रेडियो के ही थ्रू। उस स्त्री को नहीं पता उसका एक दिन कहाँ गया। दोस्तों, अभी तक तो आपने हिप्नोटिज्म वाइट टेलीविजन देखा था, जहाँ ऑडियो और वीडियो दोनों है। लेकिन जो डॉक्टर विष्णु ने किया, उन्होंने सिर्फ आवाज के माध्यम से दूर बैठी एक लेडी को हिप्नोटाइज कर दिया। और ये भी आप क्लियर हो जाए कि टीवी और रेडियो और आपके मोबाइल में ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ ही महीनों बाद मार्च में द डेली हेराल्ड में एक बहुत ही अजीब खबर छपी, जिससे काफी लोग दहशत में आ गए थे कि रेडियो हिप्नोसिस विल बी ट्राइड। प्रोफेसर जेराल्ड फिट्ज़गिबन शाम के 6 बजे 3 सब्जेक्ट्स जो अलग अलग जगह पर है 100 मील की दूरी पर, उन्हें रेडियो से सम्मोहन में डालेंगे और 3 मिनट के अंदर वो सब्जेक्ट्स मेस्मेरिक स्टेट में चले जाएंगे और आप उनकी डिटेल सुनकर हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जो उन्होंने लिखा हम आपको हिंदी में बता देते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले हंसेंगे, रोएंगे, फिर उनका शरीर कैटालेप्सी के स्टेट में पहुंच जाएगा, यानी कि शरीर अकड़ जाएगा। उसके बाद उनके ऊपर 2 लोग खड़े होंगे और जब वो सब्जेक्ट एक कागज पर सरेंडर लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट्स हिप्नोसिस से बाहर आ जाएंगे। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपी कि उनका ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। सब्जेक्ट्स ने वैसे ही रिस्पॉन्ड किया जैसे जैसे उन्हें कमांड्स दी जा रही थी। 1 हफ्ते बाद मॉर्निंग हेराल्ड न्यूज़पेपर में खबर आई कि एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जो उस समय रेडियो पर चल रहे इस हिप्नोटिज्म के शो को सुन रहा था, कुछ देर बाद उसके दोनों हाथ आपस में अकड़े हुए रह गए। जब तक डॉक्टर फिट्ज़गिबन ने उसे रिलीज करने को नहीं कहा तब तक उसके हाथ ऐसे ही रहे थे। उसके बेटे ने बहुत ट्राई किया उसके हाथों को अलग करने का, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो वो थैंकफुल है कि रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क उस समय सही था और वो अपने हाथों को अलग कर पाए। आखिर ये प्रोफेसर जेराल्ड फिट्ज़गिबन है कौन? ये वो इंसान है जो प्रोफेसर विज के नाम से फेमस हो रहे थे। इन्हें अलग अलग कंपनीज हायर करती थी बड़े बड़े स्टेज शोज के लिए, बैंकर्स को एम्यूज करने के लिए। अब आप सोच के हमें बताएं कि जब 1927 से रेडियो के जरिए सम्मोहन की इतने भीषण एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तो यूएस की सीक्रेट एजेंसी CIA आज 2022 में इसे किस स्तर तक ले गई होगी, क्योंकि इस प्रयोग के लिए रेडियो से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली आपका मोबाइल फोन है। आप ये पढ़िए, January 1980, CIA डॉक्टर मिल्टन क्लाइन, जो CIA के साथ ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स में काम कर चुके ऑलरेडी, वो चेतावनी देते हैं कि CIA को ये हिप्नोसिस के एक्सपेरिमेंट्स को लिमिट कर देना चाहिए। उन्होंने खुलासा किया कि CIA मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है ब्रेन वॉशिंग एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। इसमें CIA यूज कर रहा था ड्रग्स जैसे कि LSD, हिप्नोसिस, हैलुसिनोजेंस, इलेक्ट्रोशॉक्स जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था ताकि सब्जेक्ट्स को एक हिप्नोसिस की स्टेट में डाला जा सके और मन चाहा काम करवाया जा सके। इनफैक्ट यहाँ तक दावे किए गए कि केवल 3 से 6 हफ्ते में सब्जेक्ट्स को ऐसे ट्रेन किया जा सकता है कि हिप्नोसिस की स्टेट में वो किसी का मर्डर करके आ जाएंगे और खुद उन्हें पता भी नहीं होगा। ये सुनने में कितना काल्पनिक लग रहा है, लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट लाइव YouTube पर देख सकते हैं। डेरेन ब्राउन नाम के मेंटलिस्ट ने ये लाइव परफॉर्म करके दिखाया है, जिसमें उन्होंने लाइव इंसान को हिप्नोसिस में डालकर दूसरे इंसान का मर्डर करवाया। बस गन में गोली नकली थी। तो आप यहाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज ये टेक्नोलॉजी किस स्तर तक पहुँच चुकी होगी। दोस्तों, आप चाहें तो टीम लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे और प्रेजेंटेशंस देखने के लिए कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड इवेंट्स क्रिएट करे जाते हैं। इन रिसर्च वर्क और इन प्रेजेंटेशन को बनाने में काफी मैनर्स लगते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आप हमारे बेस स्टेशन पर चल रही ट्रेनिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं।